हेलो एंड वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। इस वीडियो में हम समझेंगे निकोला टेस्ला के द्वारा बनाए गए टेस्ला कॉइल का सर्किट डायग्राम, उसके बाद हर एक कंपोनेंट का काम, और फिर उसके बाद अंदाजा लगाएंगे कि आखिर टेस्ला के द्वारा बनाए गए टेस्ला कॉइल किस तरह से वायरलेसली इलेक्ट्रिसिटी दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकती थी। और लास्ट में जानेंगे कि टेस्ला के बाद आज तक कोई ये काम क्यों नहीं कर सका। लेकिन उससे पहले, अगर आपने टेस्ला कॉइल का पहला पार्ट नहीं देखा है तो भैया ये वीडियो तो आपके पल्ले ना पड़ने वाली। और अगर आपको टेस्ला कॉइल के बारे में पहले से ही काफी कुछ पता है तो कोनो टेंशन की बात ना है, आपका इंश्योरेंस हो चुका है। आप तो बस कुर्सी की पेटी बांधकर हो जाओ तैयार, क्योंकि विज्ञान का सफर शुरू होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर टेस्ला कॉइल काम क्या करती है, और उसके बाद समझेंगे कि ये काम कैसे करती है। तो भैया टेस्ला कॉइल है एक रेजोनेटिंग ट्रांसफॉर्मर जो हाई वोल्टेज हाई फ्रिक्वेंसी पर लो अल्टरनेटिंग करंट बना सकता है। अगर ये बात समझ नहीं आई है तो अभी के लिए ये मान लो कि ये एसी करंट बना सकता है, बाकी सब मेरे पे छोड़ दो, सब समझा दूंगा। अब जानते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल। कॉपर के तार की कॉइल बनाकर अगर उसमें करंट चलाया जाए तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। ये तो हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब अगर इसी मैग्नेटिक फील्ड में कॉपर की एक और कॉइल रख दें तो उसमें भी करंट बन जाएगा। ये हो गया करंट बाय इंडक्शन, आसान भाषा में बोले तो ट्रांसफॉर्मर। अब क्योंकि दूसरी कॉइल में करंट पैदा हो ही गया है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, बोले तो ये है आपकी वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इफ बट किंतु परंतु, सब कुछ इतना आसान कैसे हो सकता है? अरे कोई ना, अब बोते हैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए मुसीबतों के बीज। तो जी सुनो आप ध्यान से, दूसरी कॉइल को आप जैसे ही पहली कॉइल से दूर लेकर जाओगे तो दूसरी कॉइल पर मैग्नेटिक फील्ड का असर हल्का होता जाएगा और करंट भी उसी हिसाब से घटता जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी बस आजू बाजू तक ही सीमित रहेगी। ये तो भेदभाव है, दिस इज नेपोटिज्म। जो बिजली के सामान दूर रखे हैं उनका भी तो मन करता है वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी चखने को, तो कैसे सुलझाएं इस समस्या को? इतना आसान, अभी सुलझा देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की रेंज बढ़ा दो, पर ये होगा कैसे? वोल्टेज बढ़ाकर, पर उसकी भी तो कोई लिमिट होती है। हाँ बिल्कुल होती है। तो उसके बाद कैसे बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड को? एक रेजोनेटिंग सर्किट लगाकर, और वो कैसे? लेट्स डू इट। चलो सर्किट डायग्राम के साथ समझते हुए चलते हैं कि टेस्ला कॉइल कैसे बनती है। तो सबसे पहले वोल्टेज बढ़ाने के लिए मुझे चाहिए एक ट्रांसफॉर्मर। अब आप मेरे से कहोगे कि ये वोल्टेज बढ़ानी ही क्यों है, डायरेक्ट रेजोनेटिंग सर्किट क्यों नहीं लगा देते? घर में 220-250 की सप्लाई आ तो रही है, उसी से काम चला लो ना, क्यों इतना झंझट पाल रखा है? तो सुनो ध्यान से, आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हो और टेस्ला कॉइल भी काम करेगी, लेकिन हम वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी की उस रेंज को हासिल नहीं कर पाएंगे जो हम चाह रहे हैं, क्योंकि वोल्टेज मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अब हमें चाहिए एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जो 220 के इनपुट को हाई आउटपुट वोल्टेज में बदल सके, जिसके लिए ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होने चाहिए। पहला काम खत्म। अब देखते हैं कि ये सब करके हमने हासिल क्या किया और हम अपने टारगेट से कितना दूर हैं और वहां तक कैसे पहुंचेंगे। तो अभी तक हमने ट्रांसफॉर्मर से हाई आउटपुट वोल्टेज निकाल लिया, लेकिन इस आउटपुट वोल्टेज की भी एक फिक्स वैल्यू है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की रेंज भी फिक्स रहेगी। तो रेंज बढ़ाने के लिए हमें देना पड़ेगा एक हाई एनर्जी का झटका। तो इस काम के लिए अब हमें चाहिए एक कैपेसिटर जो इस मैग्नेटिक फील्ड को सही समय पर झटका देकर बढ़ा सके। चलो पहले कंपैरिजन कर लेते हैं, उसके बाद मक्खन सा समझ में आएगा। ये रहा हमारे सर्किट डायग्राम का ट्रांसफॉर्मर, और ये है असली वाला ट्रांसफॉर्मर। ये रहा सर्किट डायग्राम का कैपेसिटर, और ये है असली वाला कैपेसिटर। अब ये दूसरी कॉइल यहाँ क्या काम कर रही है? तो भैया इस दूसरी कॉइल में अपने कैपेसिटर से आने वाली हाई एनर्जी पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को झटका देकर बढ़ाएगी, यानी इसे ऑसिलेट कराएगी, बोले तो रेजोनेट कराएगी। अब आप पूछोगे कि भैया ये बताओ, रेजोनेटिंग सर्किट में एक इंडक्टर भी तो होता है, वो भी गायब है, और वो लंबा सा सिलेंडर कहाँ गया जो टेस्ला कॉइल में होता है? हाँ जी, आप बिल्कुल सही हो और सही चीज सोच रहे हो। ये जो आप सर्किट डायग्राम में दूसरी कॉइल देख रहे हो, यही है वो लंबा सा सिलेंडर यानी टेस्ला कॉइल। और कमाल की बात ये है कि यही है आपका इंडक्टर। हाँ जी, यही तो था टेस्ला के दिमाग का कमाल। आओ समझाता हूँ यहाँ हो क्या रहा है। देखो, इस सिलेंडर के आकार की लंबी सी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स नीचे वाली कॉइल से ज्यादा हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस छोटी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड एक पंप की तरह काम करती हुई इंडक्शन के सहारे इस बड़ी कॉइल में हाई वोल्टेज बनाएगी, और इस हाई वोल्टेज का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का पहले से ज्यादा बड़ा दायरा, और ये मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करेगी जैसे पिछली वीडियो में धक्का देने पर बैग ऑसिलेट कर रहा था। ये बन गया इस सर्किट का दूसरा ट्रांसफॉर्मर, इसीलिए टेस्ला कॉइल को रेजोनेटिंग ट्रांसफॉर्मर भी कहते हैं। अब बचती है दो चीज, एक तो ये ऊपर का टोपा और ये दो गेंद। अब ये भी बहुत जरूरी कंपोनेंट है, वो बताऊंगा बाद में। पहले ये देख लो कि जब सारी चीजें एक साथ काम करती हैं तो क्या होता है। ट्रांसफॉर्मर से सप्लाई आएगी, हाई वोल्टेज में बदल जाएगी जो करेगी कैपेसिटर को चार्ज, जिसके बाद देगा ये कैपेसिटर एक हाई एनर्जी का झटका, और अब पैदा होगी इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड इस बड़ी कॉइल में बनाएगी
एक नई मैग्नेटिक फील्ड जो बार बार ओसिलेट करती हुई पहले से बड़ी होती जाएगी। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना, ये जो लंबी वाली कॉइल है ये इंडक्टर की तरह काम करेगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करेगी। देखो होगा क्या, जब पहली बार नीचे वाली कॉइल लंबी वाली कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी तो उसकी वैल्यू कम होगी। उसके बाद ये नीचे वाली कॉइल बड़ी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड के कम होने से पहले ही कैपेसिटर की मदद से एक और झटका देकर मैग्नेटिक फील्ड को फिर से पंप कर देगी, यानी वैल्यू बढ़ना शुरू कर देगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड का दायरा बढ़ा देगी और ये काम लगातार चलता रहेगा। इसीलिए टेस्ला कॉइल ऑन होते ही एकदम काम नहीं करती, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड बनाने में थोड़ा सा समय लेती है। अब आप पूछोगे मेरे से एक और सवाल, तो क्या इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का दायरा इनफाइनाइटली बढ़ाया जा सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और उसके पीछे है एक लंबी सी कहानी जिसे मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, जब आप झूले को धक्का देते हो तो उसके आगे पीछे होने का दायरा भी धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन आपकी ताकत लगाने की भी एक सीमा है, तो उसके बाद झूला एक निश्चित दायरे में ही आगे पीछे होगा। ठीक इसी तरह से हमारे कैपेसिटर की भी एक लिमिट है, जिसके बाद मैग्नेटिक फील्ड भी एक लिमिट तक बढ़कर रुक जाएगी। अगर आप ध्यान दो तो सही टाइमिंग पर एनर्जी देना, उसे स्टोर करना और उसे वापस छोड़ देना, यही तो है रेजोनेंस। इसीलिए टेस्ला कॉइल को रेजोनेटिंग ट्रांसफार्मर कहा जाता है। और एक रेजोनेटिंग सर्किट में ये काम कैपेसिटर और इंडक्टर की मदद से होता है, और यहाँ पर ये दोनों चीज मौजूद हैं। अब आते हैं इन दो गेंद पर। जरा सोचो, अगर मैं कैपेसिटर को बड़ा या छोटा करता हूँ तो क्या होगा? तो उससे झटका देने की टाइमिंग भी बदल जाएगी। छोटा कैपेसिटर कम एनर्जी स्टोर करेगा और जल्दी छोड़ देगा, और बड़ा कैपेसिटर ज्यादा एनर्जी स्टोर करने के साथ साथ उसे थोड़ा देर में छोड़ेगा। तो अगर हमें सर्किट का रेजोनेंस बदलना है, यानी झटका देने की टाइमिंग को बदलना है, तो हम जरूरत के हिसाब से कैपेसिटर को बदल सकते हैं। लेकिन अगर हमें झटके को तगड़ा करना है, यानी ज्यादा एनर्जी का झटका देना है, तो ये दो गेंद काम आएंगी। आओ बताता हूँ कैसे। जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो उसके अंदर इकट्ठा हुए चार्जेस को बाहर निकलने के लिए और कोई रास्ता नहीं होने के कारण वो इस गेंद के पास आकर जमा हो जाएंगे। अब मान लेते हैं कि इन दोनों गेंद के बीच में जो गैप है उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज है 10 किलो वोल्ट। तो जैसे ही चार्जेस पर चलने का दबाव 10 किलो वोल्ट पहुंचेगा, तो वो हवा में कूदकर दूसरी गेंद पर चले जाएंगे, और ये दूसरी गेंद अपनी छोटी कॉइल से जुड़ी हुई है, यानी हमारी छोटी कॉइल को मिलने वाला 10 किलो वोल्ट का झटका इसी रास्ते से आएगा। वैसे चार्जेस का उछलना कूदना ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर, टेम्परेचर और इसके साथ साथ बहुत सारे वेरिएबल्स पर डिपेंड करेगा, पर हम यहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नहीं जाने वाले। तो अब सुनो आगे। अब आप तो हो खुराफाती, थोड़े में सब्र होगा नहीं। आप चाहते हो कि ये झटका 10 किलो वोल्ट से बढ़कर 20 किलो वोल्ट का हो जाए, तो आप इस गैप को बढ़ा दोगे, जिससे अब चार्जेस को दूसरी गेंद तक पहुंचने में ज्यादा प्रेशर की जरूरत पड़ेगी और मिलेगा ज्यादा तगड़ा झटका। यानी ये दोनों गेंद वोल्टेज स्विच की तरह काम करेंगी। तो अब तक हमने सीख लिया है कि अगर टेस्ला कॉइल में किसी भी चीज को छेड़ा जाए, चाहे वो कैपेसिटर की वैल्यू हो या कॉइल के टर्न, तो उससे हमारी टेस्ला कॉइल पे क्या फर्क पड़ेगा। अब ये जो टोरॉइडल शेप का टोपा है, ये चार्जेस को हवा में भागने से रोकता है, क्योंकि टेस्ला कॉइल बहुत तगड़ी वोल्टेज बनाती है, तो चार्जेस पर हवा में भागने का दबाव भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए इसे शार्प और पॉइंटेड नहीं बनाया गया, क्योंकि चार्जेस शार्प और पॉइंटेड चीजों से बड़ी आसानी से आ जा सकते हैं। इसीलिए तो बिजली गिरने से बचने के लिए बिल्डिंग्स पर शार्प और पॉइंटेड लाइटनिंग कंडक्टर्स लगाए जाते हैं, ताकि चार्जेस आसानी से निकल सके। तो ये शेप चार्जेस को हवा में भागने से रोकती है, और जब चार्जेस इतने ज्यादा हो जाएंगे कि उनका रुकना मुश्किल हो जाए, तो हमें मिलेगा एक मस्त नजारा देखने को। लो जी, बन गई हमारी टेस्ला कॉइल। अब जरा वायरलेस तरीके से चीजों को चलाते हैं। अब अगर एक बल्ब को इस घटती बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड में लाया जाए, तो वो वायरलेस तरीके से जलेगा। लेकिन अगर आपको काफी दूरी पर रखकर इस बल्ब को जलाना है, तो हमें एक और रेजोनेटिंग सर्किट की जरूरत पड़ेगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी इसी टेस्ला कॉइल के समान होगी। जैसे सेम फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फॉर्क बिना डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के ट्रांसफर ऑफ एनर्जी महसूस कर सकते थे, ऐसे ही सेम रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर दूसरी टेस्ला कॉइल वायरलेस एनर्जी को रिसीव करेगी। अब बात करते हैं कि हम वायरलेस एनर्जी को ज्यादा यूज क्यों नहीं करते, ये बस मोबाइल चार्जर या एक दो चीजों को छोड़कर बाकी चीजों में इस्तेमाल क्यों नहीं की जाती? क्योंकि इस तरह से बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करने के बाद हमें बहुत थोड़ी सी ही एनर्जी मिल पाती है, यानी लॉसेस बहुत ज्यादा हैं। तो निकोला टेस्ला के दिमाग में क्या चल रहा था जो वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि पूरी दुनिया को वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है? देखो, अब मैं जो बताऊंगा ये सब मेरा अंदाजा है, जो मैंने अपने इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस, फिजिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की नॉलेज के आधार पर ही लगाया है, क्योंकि सच तो भाई किसी को भी नहीं पता, और जिन्हें पता है वो हमें फ्री में क्यों बताएंगे। ये दुनिया पैसे पे चलती है दोस्त, सारा खेल ही पैसे का है। एक टेस्ला ही थे जिन्होंने अपने पास आए हुए पैसे को भी छोड़ दिया था। चलो वापस चलते हैं अपने मुद्दे पर। देखो, टेस्ला का ओरिजिनल मॉडल बहुत बड़ा था, जो मिलियन वोल्ट्स पैदा कर सकता था। शायद टेस्ला इसी ऊंचे टावर की हेल्प से धरती के
आयनोस्फेयर तक एनर्जी को भेजना चाह रहे होंगे, और जहाँ पर हमें ये एनर्जी चाहिए वहाँ भी हमें एक सेम रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी का टेस्ला कॉइल लगाना पड़ेगा जो इस एनर्जी को रिसीव करेगा। और क्योंकि हम आयनोस्फेयर की हेल्प से ऐसा कर रहे हैं तो हो सकता है लॉसेस भी बहुत कम हो। अब यहाँ आता है एक सवाल, जैसा मैंने बोला इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो वैसे काम ही नहीं करती, क्योंकि जब तक सर्किट कंप्लीट ना हो तब तक कोई चीज चलेगी ही नहीं। तो इस सर्किट को कंप्लीट कैसे करें? तो शायद टेस्ला इसके लिए धरती की कंडक्टिविटी का सहारा ले रहे हों, शायद पानी से या किसी और तरीके से इस सर्किट को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हों। आखिर वो ये कैसे करते, मेरे पास इसका जवाब नहीं है। तो क्या मैंने जो वार्डन क्लिफ में बनाई गई टेस्ला कॉइल के बारे में बताया यानी आयनोस्फेयर से रिलेटेड वो 100% सही है? नहीं, ये मेरा अंदाजा है। इसकी सच्चाई जानने के लिए हमें टेस्ला का एक्सपेरिमेंट दोबारा करना पड़ेगा, पर सवाल है ये कि इतना पैसा कौन लगाएगा। अब आता है दूसरा सवाल कि YouTube पर तो बहुत सारे टेस्ला कॉइल से जुड़ी हुई वीडियोस में रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर और भी ना जाने क्या क्या कंपोनेंट का इस्तेमाल किया गया है, तो मैं ही क्यों कैपेसिटर की पूंछ पकड़कर बैठा हूं? देखो, पहला कारण तो ये है कि टेस्ला के ओरिजिनल मॉडल में उन्होंने कैपेसिटर का इस्तेमाल किया था। अब सुनो दूसरा कारण, आपको ये समझना होगा कि टेस्ला कॉइल को चलाया कैसे जा रहा है। क्या वो डीसी करंट की बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर हाँ तो उसे एसी करंट में बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ट्रांसफार्मर डीसी पर काम नहीं करता। हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो वीडियो हम देख रहे हैं उसमें कितना लोड इस्तेमाल किया गया है। अगर मुझे कहीं पर करंट कम करना है तो मुझे रेजिस्टेंस लगाना ही पड़ेगा, तो जैसी जिसकी जरूरत वैसा ही उसका काम, पर रिजल्ट सेम आएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, फिजिक्स को समझने का सबसे आसान तरीका है चीजों के नाम से ज्यादा उनके काम पर ध्यान देना, क्योंकि अगर काम समझ में आ गया तो नाम तो अपने आप याद हो ही जाएगा। इस वीडियो को बिल्कुल टेक्निकल लैंग्वेज में भी बनाया जा सकता था, लेकिन अगर वो किसी को समझ में ही ना आए तो उसका फायदा क्या? तो इसीलिए मैंने बहुत सारे टेक्निकल नाम इसमें से हटा दिए। अब आपके लिए एक सवाल, आपको क्या लगता है वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी से सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, और क्या इसका कोई नुकसान भी हो सकता है? मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप इसका जवाब दें तो, क्योंकि दोस्त मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, सपनों के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिर के ओ मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।